फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारा बूम प्लेसर होता है, जो हम कंक्रीट पोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कैसे हमारा कंक्रीट ख़त्म होने के बाद उसको क्लीन किया जाता है, पूरा क्या प्रोसेस रहता है, उसमें बॉल पास कराते हैं, उसमें मैं कंप्लीट दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, जहां हम आपको देते हैं कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। तो फ्रेंड, बेसिकली ये बॉल इसलिए पास कराई जाती है, बॉल भी एक कोई हार्ड बॉल नहीं होती है, एक स्पंज टाइप बॉल होती है, ये बॉल पास कराई जाती है ताकि जो बूम में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्क्रीट है कि वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाए, ताकि जब हम नेक्स्ट पोरिंग के लिए बूम प्रेशर का यूज़ करें तो बूम प्रेशर के चौक होने के, यस फ्रेंड्स, क्या होता है, बूम प्लेसर चौक हो जाता है, और एक बार अगर ये चौक हो जाए कंक्रीट के दौरान तो इसको फ्रेंड्स रिपेयर होने में पूरा दिन लग जाता है। सच में फ्रेंड्स, काफ़ी बार साइड पे ये चौक हुआ है हमारे सामने, तो पूरा पूरा दिन लग जाता था, कंक्रीट टूट जाती थी साइड पर। तो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं, बॉल को लगभग कम्प्लीटली पाइप के अंदर डाल दिया गया। आपको पूरी मशीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी मशीन है अपनी बूम प्लेसर की। तो किस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये पूरा अपना बूम जो है पूरा वर्टिकली उठाएगा और ये बॉल जो है नीचे तक लेके आएगा। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स, लास्ट तक मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपकी साइड पर भी कभी बूम चौक हुआ है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। Keep learning, friends. Bye.